हेलो चिल्ड्रेन आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो चिल्ड्रेन टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मनी सो लेट्स स्टार्ट विद मनी मनी इज यूज टू पे फॉर द थिंग्स वी बाय ओके मनी हम यूज करते हैं जब हमें कुछ चीजें लेनी होती है एवरी कंट्री हैज इट्स ओन मनी नोन एज करेंसी हर कंट्री की अपनी अपनी कुछ करेंसीज होती है द यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी इज़ कॉल्ड रुपीज ओके बेटा हमारे यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है इंडिया में वो होती है रुपीज इन शॉर्ट वी राइट रुपीज लाइक दिस साइन इज फॉर रुपीज मनी इज फाउंड इन टू टर्म्स ओके क्वाइंस एंड नोट्स दो टर्म्स में यूज होता है लाइक like क्वाइंस में एंड नोट्स में क्वाइंस ओके मनी मेड ऑफ मैटल आर कॉल्ड क्वाइंस ओके जो हमारा कॉइंस होता है वो मेटल का बना हुआ होता है ओके सो दिस इज़ वन रुपीज़ टू रुपीज फाइव रुपीज़ टेन रुपीज ट्वेंटी रुपीज एंड सो ऑन नोट्स मनी मेड ऑफ पेपर आर कॉल्ड नोट्स और क्या होता है जो हमारे पेपर के बने हुए होते हैं उसको हम कहते हैं नोट्स सो दिस इज़ वन रुपी नोट दिस इज़ टू रुपीज दिस इज फाइव रुपीज नोट एंड सो ऑन ओके सो दिस आर द नोट्स आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेटा वट इज रुपीज एंड वट इज नोट्स ओके क्वाइंस सो नाउ रुपीज एंड पैसे वन रुपी और दिस इज वन रुपी इज इक्वल टू हंड्रेड पैसे सो वन रुपीज के अंदर हमारे होते हैं बेटा हंड्रेड पैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट रिवाइज इट ओके मनी कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीज एंड पैसे जो मनी हमारी होती है वो रुपीज़ और पैसे के एक फॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है सो लाइक दिस इज़ टेन रुपीज़ एंड दिस इज फिफ्टी पैसे इज रिटर्न एज टेन पॉइंट फिफ्टी लाइक दिस ओके सो यहाँ रुपीज़ भी आ गया ये पैसे भी आ गया we read it as टेन रुपीज़ फिफ्टी पैसे हम इसको लिखेंगे कैसे टेन रुपीज़ and फिफ्टी पैसे लिखेंगे सिमिलरली ये कितने का नोट है हमारा फिफ्टी का सो दिस इज फिफ्टी रुपीज नोट दिस इज फाइव रुपीज क्वाइन दिस इज फिफ्टी ओके सो इफ यू एड ऑल द नंबर सो फिफ्टी एंड फाइव मेक्स नंबर फिफ्टी फाइव दैन पैसे अलग जा रहे हैं पॉइंट फिफ्टी सो वी रीड इट एज फिफ्टी फाइव रुपीज एंड फिफ्टी पैसे ओके सो नाओ नोट the number before point shows rupees and after point shows paise ye jo hamara hota hai bacho, ye hota hamara rupees or hamara hota hai paise. okay i hope you understood the concept of rupees and paise so now next exchanging money if we have to pay a certain amount then different combinations of notes can be used as given below okay how this is 10 rupees plus 10 rupees is equal to 10 or 10 makes number 20. So this is 20 rupees note. Similarly, 50 rupees plus 50 rupees is equal to our yes 100 rupees note. Similarly, 10, 10, 10, 10, 10, 10. If you add all the 10 number together, then you will get 50 rupees note okay beta so this is you know exchanging money so now next write the total value in each of the following okay now in this times there are rupees now you have to count all together and write their correct value so let's start this is 20 rupees note this is 10 rupees note this is 5 and this is for 1 rupees note so just add it 20 then 30 then 35, and 35 or 1? Yes, 36. So, write the correct value on that box like 36. So, beta, this is how we just, you know, add the value of all these notes together like this. You just put the correct value here. Now, next. Okay. So, do other yourself. Now, next. Write the correct number. One has been done for you. सो टेन रुपीज़ यू हैव टेन रुपीज़ सो टेन रुपीज़ कैसे बनता है टू नोट्स ऑफ फाइव अगर हमारे पास फ़ाइव के दो नोट्स होते हैं वी कैन से दैट वी हैव टेन रुपीज़ ओके सिमिलरली अगर आपके पास ट्वेंटी रुपीज़ है तो आप कैसे बोलोगे यू कैन से दैट टेन नोट्स ऑफ टू हम कह सकते हैं हमारे पास दस दस के कितने नोट हैं टू ओके लाइक दिस

सिमिलरली ये हमारे पैसे हैं और दिस इज ऑल्सो पैसे सो जस्ट यू नो डू प्रैक्टिस ओके बेटा सो नाउ एड द फॉलोइंग अब हम इनको एड करेंगे सो वी हैव सेवेंटी सिक्स रुपीज प्लस सिक्सटी सेवन रुपीज सो स्टार्ट विथ वंस प्लेस सो सिक्स एंड सेवन सिक्स सिक्स कितने होते हैं सिक्स और सेवन होते हैं बच्चों थर्टीन सो राइट इट थर्टीन का थ्री कैरी वन एंड ये होते हैं हमारे फोर्टीन कैसे सिक्स और वन सेवन और सेवन सेवन फोर्टीन सो वी कैन से दैट वन हंड्रेड फोर्टी थ्री क्या रुपीज ओके सो नेक्स्ट नाइन और वन टेन सो टेन का जीरो कैरी वन एट और टू टेन एंड टेन में वन कैरी किया इलेवन सो इलेवन रुपीज सो दिस इज हाउ वी जस्ट फिल द अदर ब्लैंक्स ओके दिस इज वेरी इजी

वी जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट वन हैरी हैज रूपीज सेवेंटी नाइन हिज फादर सैनी हैज ट्वेंटी सेवन मोर देन हैनी ओके हैनी के पास सेवेंटी नाइन है और उसका जो भाई सैनी है उसके पास उससे ट्वेंटी सेवन मोर है न हाउ मच मनी डज सैनी हैव तो सैनी के पास कितने हो गए एंड हाउ मच मनी डू दे हैव ऑल टूगेदर अब दोनों के पास कितने हो गए सो लेट्स फाइंड आउट दो सैनी रुपीज़ फर्स्ट ओके सो हम क्या करेंगे सेवेंटी नाइन बिकॉज वो उस हैरी के पास हैं और उसके भाई के पास ट्वेंटी सेवन ज़्यादा है सो एट ट्वेंटी सेवन इन दैम सो नाइन और सेवन सिक्सटीन कैरी वन सेवन और टू नाइन और एक हो गया टेन ओके सो वी कैन से दैट सैनी हैव 106 हंड्रेड सिक्स रुपीज ओके एंड नाउ हाउ मच डू दे हैव ऑल टूगेदर अब दोनों के पास कितने हो गए सो हमारे पास ये तो दोनों की वैल्यू है सो राइट इट वैल्यू ऑफ दैट वन 106 रुपीस। नाउ रुपीज नाओ एट हैनी कॉस्ट ओके हैनी रुपीस। हैनी के पास कितने थे बच्चों 79 रुपीस। सो जस्ट एट बोथ द वैल्यू नाइन एंड सिक्स आर होते हैं फिफ्टीन फिफ्टीन का फाइव कैरी वन सेवन और वन एट एंड दिस इज वन सो वी कैन से दैट वन हंड्रेड एट्टी फाइव रुपीज दे हैव ऑल टूगेदर, उन दोनों के पास मिला के कितने हो गए वन हंड्रेड एट्टी फाइव रुपीज एंड सैनी के पास कितने थे वन हंड्रेड सिक्स रुपीज ओके बेटा सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर वन सो दिस इज़ वेरी इजी यू नो डू द अदर वन योर सेल्फ नाउ नेक्स्ट इज सब्स्ट्रैक्शंस ऑफ मनी सब्सट्रैक्शंस ऑफ मनी इज द सेम एज द नॉर्मल सब्सट्रैक्शंस ओके जैसे हम सिंपल करते हैं इसको भी ऐसे ही करना है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शंस फर्स्ट वन इज एटी टू एट्टी टू में से सेवनटीन माइनस करना है वी हैव टू स्टार्ट विद वंस प्लेस टू में से सेवन नहीं जा सकता जस्ट कैरी लिया इट बिकम्स ट्वेल्व ट्वेल्व में से सेवन गया देन फाइव एंड इट रिमेन्स सेवन सेवन में से वन गया सिक्स सो दिस इज द सिंपल सब्सट्रैक्शंस नाउ मूव ऑन सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग ओके एट्टी रुपीज एंड सिक्सटी थ्री रुपीज सो स्टार्ट विथ वंस प्लेस जीरो में से थ्री यू कांट यू नो सब्सट्रैक्ट देन जीरो विल टेक वन फ्रॉम Borrow from 8, then it become I am just writing over here 80 63. 0 may say 3 nay sakta Now just it becomes 10 and it remains 7 here. So 10 may say 3 gay, then 7. And here it is 7, then 7 may say se if you cut 6, then you will get 1. Then we can say that 17. Rupees is the answer of that particular one. Okay, beta. So, these are the other example of that one. You have to fill it by your own. Okay, this is very easy. So, now next is what problems based on subtractions. Okay, let's see. Solve the following what problems one has been done for you. Priya botch an eraser for 50 paise. Okay. शी गेव अ वन नोट टू दैट शॉप कीपर अब उसने वन रुपीज़ का नोट शॉपकीपर को दिया है हाउ मैनी पैसे डिड शी गेट बैक अब उसको कितने पैसे मिलेंगे सो हमें पता है वन रुपीज़ हैज हंड्रेड पैसे सो जस्ट राइट इट हंड्रेड पैसे ओवर हेयर एंड यू हैव टू कट इट फ्रॉम फिफ्टी ऑन दैम सो इफ यू जस्ट सब्सट्रैक्ट फिफ्टी फ्रॉम दैम देन यू विल गेट फिफ्टी पैसे ओके सो दिस इज ऑलरेडी डन सो नाउ मूव ऑन बेटा नेक्स्ट वन रश्मि हैज़ सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सेवन रुपीज ओके एंड हर ब्रदर जितेश हैज रुपीज टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स हाउ मच मोर मनी यू नो हाउ मच मनी हैज़ रश्मि मोर देन जितेश तो रश्मि के पास कितना ज़्यादा अमाउंट हो गया ज्यादा तो है बट हाउ मच मोर how much more okay so for that we have to just subtract both the number so first is like 657 write it over here then just subtract 246 from that particular one so 7 misses 6 gear 1 5 4 gear 1 and 6 misses 2 gear 4 so we can say that 411 rashmi more than jitesh so rashmi has 400 rupees more than jitesh okay so this is very simple you only need to do practice beta okay so i hope you understood so with this we ended the chapter you just you know do practice and do rest of these question answers by your own